देखिए, आज हम जंगल में एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ ये चमत्कारी जड़ी बूटियाँ वृक्ष हैं। जो देखो, मैं इसके अंदर ही चला गया हूँ और ये गुफा सी है इस वृक्ष के तने की। और इसके अंदर देखो, और इसका मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ का क्या क्या चमत्कार, क्या क्या चीज़ काम आने वाली है। अंदर देखो तो ये गूंद चमक रही है। देखो अंदर, ये गूंद चमक अंदर इधर यह गूंद चमक रही है इसकी। ये देखो यहाँ लगी हुई है ये गूंद। इसके बारे में बताऊंगा मैं, ये गूंद किस काम आएगी। और इसके साथ साथ ये छाल है, छाल के ऊपर ये देखो ये गूंद की चमक है। ये गूंद चमक रही है, ये गूंद किस काम आएगी बताऊंगा, छाल किस काम आएगी बताऊंगा, पत्ते किस काम आएंगे, वह फल किस काम आएंगे। यह बहुत चमत्कारी वृक्ष है, यह बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन आज हम थोड़ा कुछ इसके बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आपको इसका जो है पता चल सके। ये बहुत कम मिलते हैं आजकल वृक्ष, पहले गांव में शहरों में अमूमन मिल जाते थे। तो अभी जो है यह वृक्ष जो है लगभग 14-15 फुट ऊंचा है और इस पे फल भी लगे हुए हैं। मैं आपको इन फलों की यह दवाई बना के भी दिखाऊंगा, हाँ जी, और कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। और इसके अलावा जो है इसकी छाल की दवा भी तैयार होती है और इसकी गूंद भी प्रयोग होती है और इसके पत्तों से भी क्या क्या बनाया जाता है। ये देखिए, इसके पत्तों जो है, पत्तों के ऊपर ये होते हैं लगे हुए छोटे छोटे, ऊपर उठे हुए ये छोटे छोटे से ये लगे होते हैं बिंदु, इनका भी काम होता है, इनसे भी दवाई बनती है। ये बड़े होके लाल रंग के हो जाते हैं। ये मौसम ठंड की वजह कारण, मतलब जब इनका टाइम आएगा, ये पहले ऐसे हरे हरे होते हैं, बाद में लाल बन जाते हैं। ये दूध का ये है, ये दूध भी बहुत काम का होता है। ये देखो, ये दूध है, जब टहनी तोड़ते हैं तो बाहर दूध लग जाता है। इसका नाम वृक्ष का गूलर है। हमारे यहाँ बड़ पीपल गूलर अमूमन गांव में होते ही थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। नहीं तो ये हर घर में नीम गूलर वगैरह ये हर गांव में होते थे। देखिए, इस फल को जब हम तोड़ते हैं, देखिए जितने भी फल हम तोड़ेंगे इसमें सफ़ेद रंग का यह दूध निकलेगा। इसकी पहचान है गूलर की। ये जितना भी फल है जब तोड़ेंगे तो इसमें से यह दूध निकलेगा। अभी हम इस फल को तोड़ के दिखाते हैं अंदर से ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हम तोड़ते हैं तो अंदर से यह ऐसा दिखाई देता है। सूखने के बाद ऐसे होते चले जाते हैं और बाद में बिल्कुल ऐसे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन है बहुत ज़्यादा। क्या क्या करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हमने इसको ये आराम से पीस जाता है। तो इसका यह चूर्ण ले लिया हमने, है ना, और अगर इसमें बिदारी कंद मिला के और दूध में घी मिला के इसका प्रयोग करते हैं तो शरीर में बहुत ताकत आती है और वीर्य पुष्ट होता है। नींद ना आती हो तो जल से, अगर पानी से लेते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। चेहरे पे कील मुहांसे निकले हुए हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि इस फल की जैसे हमने ये लुगदी बनाई है, इसी में ही पत्ते पीस के और इसमें अगर बकरी का दूध मिला के हम लेप बना लाते हैं और कील मुहांसे पे लगाते हैं तो कील मुहांसे बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा इस लुगदी में अगर शहद मिला के जहाँ जल गया हो शरीर, उसके ऊपर अगर लगाते हैं, उसकी जलन ठीक हो जाती है और बहुत जल्दी
मतलब जख्म जो है वो ठीक हो जाते हैं। निशान है उसको भी साफ कर देता है, शहद में मिला के लगाना पड़ता है जले के लिए। जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत तंग होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है, तो क्या करना है देखिए, ये इसकी छाल है जो बड़े आराम से और उतर जाती है। देखो ये देखो, जितनी मर्जी उतार लो ये उतर जाती है। आप इस छाल को ले लीजिए 100 ग्राम के करीब, और इसके अंदर अगर 300-400 ग्राम पानी डाल के उबालेंगे, और जब 200-250 ग्राम रह जाए, मतलब आधी रह जाए, तो इसको थोड़ा मतलब बारीक कर लीजिए, बिल्कुल चूरन नहीं करना, बारीक करके पानी में डाल के उबालिए, इसका जो सारा सारांश है वो पानी में आ जाएगा। जब 200-250 ग्राम पानी रह जाए तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कत्था मिलाना है, 5-10 ग्राम के करीब कत्था मिला सकते हैं, और कत्थे के साथ साथ आपने थोड़ी सी एक चुटकी फिटकड़ी मिला देनी है। अब तीनों चीज़ें का मिश्रण हो गया पानी के अंदर, अगर आप उसके कुल्ले करेंगे तो आपको थोड़ी देर में ही रिजल्ट मिलेगा, पहली बार में ही रिजल्ट मिलेगा, मुंह के छालों में बहुत फर्क मिलेगा। मुंह के छाले 5-4 बार ऐसा कुल्ला करने से, दिन में 2 बार कीजिए और 2-3 दिन में आप देखेंगे हमेशा के लिए मुंह के छाले जो है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ये छाल है, इसको पानी में धो लेते हैं। हमने छाल जो है पानी से धो लिए, क्योंकि इस पे पक्षियों की बीट वगैरह कई बार लगी होती है, ताकि अच्छी तरह साफ हो जाए, और इसकी पिसाई करेंगे अब हम। इसका चूरन टाइप हम बना रहे हैं, और इसमें थोड़ा पानी डाल लेना है जो है वो बन जाए। अगर नकसीर फूट रही है, नाक से खून आ रहा है, तो वो 5-10 मिनट में फौरन बंद हो जाएगी इसको लगाने से। हमने लेप लिया है, और लेप को अगर हम तालू पे लगाते हैं तो इसकी नकसीर जो है थोड़ा सा हम ये ऊपर यहाँ लगा देते हैं, और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसकी मालिश कर देते हैं, तो फौरन 5 मिनट के अंदर नकसीर बंद हो जाएगी। ये गूलर की गोंद है जो हमने अंदर से अभी ये ताजी ली है, बिल्कुल ताजी, और कान के ऊपर सूजन है, लगाते ही ठीक हो जाती है, और कहीं और जगह भी सूजन है, सूजन में ये बहुत काम करती है। सूजन में लगाओगे तो थोड़ी देर में ही सूजन काफ़ी उतर जाएगी। कहीं भी सूजन हो इसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप प्रयोग करेंगे बहुत अच्छी रहेगी और अच्छी लगेगी। और आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। धन्यवाद।